इस बजट में अधिकांश मामलों में जिसमें वित्तीय प्राविधान निहित हैं और जिसको एक वादे के रूप में कहा गया, ये कहा गया है कि ये 3 वर्ष आगे के 3 वर्षों के लिए, इसका मतलब है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार के पास धन नहीं है और इसलिए लायबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में वित्त मंत्री ने कहा है कि ये 3 वर्ष के कोर्स के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हम उम्मीद कर रहे थे कि आखिर अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो कम से कम देश के युवाओं से माफ़ी मांगते हुए कहते कि भाई पहले 9 साल या 8 साल मैं आपको 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं दे पाया और अब इस साल हम उस वादे को पूरा करेंगे ताकि आगे के लिए भी एक परंपरा प्रारंभ हो। ये कहीं पर भी रोजगार की बात नहीं करता, ग्रोथ डिसेप्टिव ग्रोथ है। खाली कुछ लिफाफे योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, उन लिफाफे योजनाओं से सामान्य लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। महंगाई को ये कहीं पर एड्रेस नहीं करता, उसको घटाने की बात कहीं पर नहीं करता। इनकम टैक्स में जो रिवेट है, आखिर 6 साल बाद आप कर रहे हैं और वो भी एक 50,000 का फायदा आपने जो है टैक्स पेयर तक पहुँचाया है, चाहे पुरानी स्कीम के हिसाब से लीजिए या नई स्कीम के हिसाब से लीजिए, और ये तकरीबन 50,000 के आसपास आता है जो है। तो वो भी एक प्रकार आंसू पोंछने का काम भी वित्त मंत्री ने लोअर मिडिल क्लास का नहीं किया है। और उत्तराखंड के हिसाब से बजट, जब आप इन्वायरमेंटल चीज़ों की बातें बड़ी कर रहे हैं, हरित 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 कर रहे हैं, जो ग्रीन एरिया है, जो हरित एरिया है, जिस जो ऑक्सीजन देने वाला एरिया है, उत्तराखंड जैसे राज्य जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं उनको ग्रीन बोनस देने के विषय में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है उसमें शांत है। आपदा के क्षेत्र में हम आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उत्तराखंड के लोग, ये कहीं पर भी आपदा के मद में जो राज्य स्ट्रगल कर रहे हैं उन राज्यों के कैसे मदद करेगा, इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। तो रोजगार नहीं, इसमें महंगाई को रोकने का कोई उपाय नहीं, और अर्थव्यवस्था में जो असमानता बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और चंद लोग खरबों खरबों के मालिक होते जा रहे हैं, उसको पाटने का कोई इरादा किसी तरीके का इस सरकार का नहीं लगता है। कुछ छूटें यदि बड़ी दी भी गई हैं तो उन लोगों को दी गई हैं जो बहुत ही हायर टैक्स स्लैब के अंदर है, उनको छूट दी गई है, लोअर टैक्स स्लैब के लोगों को किसी तरीके की राहत। युवाओं के लिए कुछ, युवाओं के लिए तो ये